अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ श्याम राठौर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसराइल नमकीन के नवाही इलाका शमसाबाद में। 44 साल मोहम्मद साजिद जो है मेरे मजदूरी करते थे, जो अभी जो है गुज़िश्ता माह जो है इनको हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद मेरे मजदूरी करने से भी जो है रह चुके हैं। ज़रिया मुआश है वो भी जो है नहीं है, ना कोई घर का सरबराह है जो कमा के कराए। सबसे बड़े ये घर के सरबराह हैं, जो हमें जो इतला मिली तो हम यहाँ पर आए तो हमने इनके औलाद देखी, तो हमें भी जो है देख कर जो है बहुत दुख हुआ। तो हम इनसे अभी जानते हैं कि कितने अर्सा पहले इन्हें हार्ट अटैक हुआ और घर का ज़रिया मुआश क्या है और घर का कैसे जो है चलता है सारा सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। कितने अर्सा हो गया तो उन्हें हार्ट अटैक होया थे? ज़रिया मुआश तुम्हारा की है? निक्के छोटे भाई को। छोटा भाई तो बड़ा सारा जड़ा खर्चा तो जिना दिन इस वक्त हमारे साथ इनके जो बाजी है वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी ये मामू है हमारे, हमारे पास पैसे नहीं है, जो इतना कर सकते थे वो कर दिए, तो वो इसका इलाज करने के लिए पैसे चाहिए, वो जो है खाने के लिए इसके पास। लाडू ने किया है इलाज के लिए पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। कितनी रकम जो है डॉक्टर ने काफ़ी सारी डाल है 1000 तक का ले सकते। तो आपका जरिया मुआश क्या है इनका, आप क्या लगते हैं जी और सारा ये भाई? जी हम हमारे मामू हैं, जो कर सकते हैं जितना कुछ कर सकते हैं वही किया है अभी तक, कोई जो है चलना। तो आप उन जो है काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास मजदूरी से इतना जो अखराजात हो जाते हैं कि आप नहीं होते अखराजात नहीं होते तो अखराजात पूरे नहीं होते नहीं। तो आप ये अखराजात और गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से करना चाहें इनकी मदद करें और इसके इलाज के लिए हम जाइए मजदूरी कार पर जो है ना वो हम शुरू जीना जी ने हमारे साथ इनके हवलेदार जो है वो मौजूद है जिनने हमारे साथ रब्ता किया, तो इनके बाद हमें लेकर आए। हम इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनके हवलेदार हैं, इनके बारे में ये क्या जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद बकार शाह, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम इनको देखते हैं, जब से इनको कैद हुआ है तो इनके पास ना कुछ सियासी बेस पर जो आए हैं, ना कोई वैसे भी कोई इनके इमदाद कोई भी नहीं, ठीक है। जितना हमसे हुआ है, जितना इनकी इमदादी से हुआ है वो इन बता दे, ठीक है। तो मेरी ये गुजारिश है कि इनका प्लीज़ इलाज करवाया जाए, ठीक है। तो डॉक्टर साहब इनको बोला सख्ती से कि इनका जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए। 47 साल मोहम्मद साजिद जो है अभी अपने इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत से और मुहैया अजलास से अपील कर रहा है कि मेरे इमदाद ऐसी की जाए और मैं जो है इमदाद मदद इमदाद की जाए ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं और डॉक्टरों के अखराज जो है पूरे कर सकूं। इनका कहना है कि मैं डॉक्टरों के पास भी इसी वजह से नहीं जा रहा कि मैं जो है इन्हें मैनेज कर सकूं। खाने को दो वक्त की रोटी जो है इनकी मुश्किल हो चुकी है, तो ये इलाज जो है इनके लिए इतना महंगा इलाज बहुत मुश्किल का काम नज़र आ रहा है। तावन की अपील की है, अगर आप इनकी इमदाद करना चाहते हैं इनका नंबर आपकी स्क्रीन पर जो है आपने दे दिया है, इनसे आप रब्ता करें और इनकी मदद इमदाद करें। कैमरा मैन मुनीर सुल्तान के साथ कैमरा टोर।